नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ताज़ा खबर के मुताबिक बॉलीवुड की महान हस्ती, महान अदाकारा शबाना आज़मी जी का कल एक्सीडेंट हो गया। मुंबई टू पुणे एक्सप्रेसवे में उनका एक्सीडेंट हो जाता है जब वो मुंबई से पुणे जा रही होती हैं अपनी कार में, अपनी एसयूवी टाटा सफारी में। तो एसयूवी टाटा सफारी से वो जा रही थी और उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कि कसूरवार उनके ही ड्राइवर अमलेश कामत को बताया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमलेश कामत ने जो है एक कार को ओवरटेक करने के चक्कर में लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए जा रहे ट्रक में पीछे से ही पिल गए, ट्रक के पिछवाड़े में दे मारा, जिस कारण से जो है कार पलट गई, चकनाचूर हो गई, आप देख सकते हैं। और शबाना आज़मी जी हो गई घायल, शबाना आज़मी जी को आ गई चोटें, वो हो गई इंजर्ड। कहा जा रहा है कि कार में जो है जावेद अख्तर जी भी थे, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ है। लेकिन शबाना आज़मी जी की हालत देख के लग रहा है कि कंडीशन तनिक सीरियस है, लेकिन उनको तत्काल में जो है अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और तो अस्पताल में भर्ती करवाने के बाद, प्राथमिक उपचार के बाद, उन्हें मुंबई के कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर उनके फिल्मी सितारे और उनके शुभचिंतक उन्हें देखने आए, मिलने आए। वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है दुर्घटना स्थल से अस्पताल तक पहुँचने की, जिसमें जो है सबसे ज़्यादा जिम्मा उठाया भारतीय सेना के जवान ने। भारतीय सेना का जवान जिसने उन्हें दुर्घटना स्थल से निकाल कर एक दूसरी कार में बैठा कर उनको जो है अस्पताल पहुंचाया गया। आप देख सकते हैं किन निगाहों से शबाना आज़मी जी उस भारतीय सेना के जवान को देख रही हैं। हालांकि उनके आंख में चोट आई है, चेहरे में चोट आई है, एक आंख बंद हो गई है, लेकिन फिर भी आप अपनी मन की आंखों से देखिए, आपको समझ में आएगा कि जिन निगाहों से शबाना आज़मी जी उस भारतीय सेना के जवान को देख रही हैं, उनके मन में ये गाना जरूर गूंज रहा होगा, तुझमें ही रब दिखता है, मैं क्या करूं ओ रब्बा, तुझमें ही रब दिखता है। क्योंकि उस भारतीय सेना के जवान में ही रब दिख रहा है, क्योंकि वही उनकी जान बचा रहा है। उन्हें दुर्घटना स्थल से निकाल कर जो है सुरक्षित स्थान पे और अस्पताल पे पहुंचाने के लिए वही एकमात्र बंदा है, और उसमें में ही रब दिख सकता है और रब दिखेगा, दिखना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना का जवान ही जो है असल रब है। और ये वही भारतीय सेना का जवान है जिसको कभी गालियां दिया करती थी शबाना आज़मी, बड़ा बुला भोला करती थी, और जिसको गुंडा बताया करती थी और कश्मीर का अत्याचारी बताया करती थी, वही भारतीय सेना का जवान उन्हें दुर्घटना स्थल से निकाल कर सुरक्षित जगह ले जाता है, उनकी मदद करता है, उनकी जान बचाने में सबसे पहली और अहम भूमिका निभाता है, डॉक्टर के भी पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शबाना आज़मी जी का जो भारतीय सेना का जवान था, जो कि गुंडा था, जो कि अत्याचारी था, वो आज रब हो गया, रब। वाह, क्या बात है। इतना ही नहीं, शबाना आज़मी जी CAA और NRC का विरोध करती आई हैं। CAA और NRC पर उनका कहना है कि हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हमारे पास तो कागज़ है ही नहीं, हमारे लोगों के पास तो कागज़ है ही नहीं, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। लेकिन अस्पताल में इलाज करवाने के लिए कागज़ हैं भाई साहब, बिना कागज़ के अस्पताल भर्ती नहीं करता, बिना ID के अस्पताल ट्रीटमेंट नहीं करता। पेशेंट की ID होना, उसका कागज होना बहुत ही ज़रूरी है अस्पताल में इलाज करवाने के लिए, भर्ती करवाने के लिए। और बड़े अस्पताल कोकिला बहन धीरूभाई अंबानी जैसे अस्पतालों में ID और कागज़ की तो सख्त डिमांड होती है, सख्त ज़रूरत होती है। अरे भाई, वही अंबानी जो मोदी का आदमी है, मोदी का एजेंट है, उसी के अस्पताल में इनका इलाजरत हैं, और ये जो है बात करती हैं हम कागज़ नहीं दिखाएंगे लेकिन इलाज करवाएंगे। तो इलाज करवाने के लिए जो कागज़ आ गए, वही कागज़ तो NRC और CAA के लिए भी दिखाने थे, तो उसमें क्या खराबी थी। लेकिन नहीं, हमारा तो एजेंडा है, हमको तो CAA और NRC का विरोध करना है, क्योंकि ये विरोध असल में CAA और NRC का नहीं, देश का विरोध है, धर्म का विरोध है, हिंदुत्व का विरोध है, मोदी का विरोध है, अमित शाह का विरोध है, योगी का विरोध है, भारतीय जनता पार्टी का विरोध है, देश की सरकार का विरोध है, देश के संविधान का विरोध है। और यह विरोध जो है सिर्फ और सिर्फ कागज़ का नहीं, CAA या NRC का नहीं, ये असल में भारत के फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है, एक षड्यंत्र है, जिसका छोटा सा प्यादा थी शबाना आज़मी जी, जो अब नहीं रही का मतलब ये है कि अब घायल हैं, कुछ समय लग जाएगा इलाज करवाने के लिए, इलाज कराते कराते अब ये जो है
फिलहाल हो सकता है बंद कर दें अपना विरोध, हालांकि जारी रखेंगी। तो हम इनसे पूछेंगे कि आपने जो कागज धीरू भाई अंबानी अस्पताल में दिए थे वही कागज आप एनआरसी के लिए दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। इतनी सी बात थी जो कि घायल शबाना आजमी जी समझ जाएं तो अच्छा है, वरना तंदुरुस्त जावेद अख्तर जी तो समझ ही जाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप मेरी बातों से सहमत हों और आप यह जानकारी और यह संदेश शबाना आजमी जी और जावेद अख्तर जी तक पहुंचाना चाहते होंगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, शबाना आजमी जावेद अख्तर को टैग जरूर कर देना, और अगर आप नए हो तो इस चैनल नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन बजा देना ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और ऐसे ही मनोरंजक और ज्ञानेवल वीडियो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद। जय हिंद।